हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ बालों में डीआईवाई लगाने से ही नहीं होता है, बल्कि अच्छी डाइट लेने से भी आपके बाल स्वस्थ होते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज इसी बारे में आपसे बात करते हैं कि बालों को हेल्दी कैसे रखा जाता है और कौन सी चीज़। बहुत सारी होम रेमेडी यूज करने के बाद भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। पहले भी मैंने आपको वीडियो में शेयर किया है, बहुत सारे जैसे खून की कमी, आयरन की कमी, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे हेयर फॉल होता है। सबसे ज़्यादा हमारी जो पेट की समस्याएं होती हैं, जैसे बदहजमी, गैस, पेट का साफ न होना, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो हेयर फॉल नहीं रुकेगा, बाल आपके गिरेंगे चाहे आप कुछ भी लगाओ। और आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप क्या लगाते हो और होम रेमेडी से सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ मेरे हेयर पहले ड्राई थे तो धीरे धीरे मैंने होम रेमेडी लगाना स्टार्ट किया और मैंने अपने हेयर को स्वस्थ बनाया सिर्फ होम रेमेडी लगा करके। और केमिकल वाले शैम्पू या कोई भी प्रोडक्ट आप लगाते हैं तो उससे आपके बाल गिरेंगे। तो गाइस, आज का वीडियो आपके लिए, तो आपको क्या करना है पूरा वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे बताऊंगी जिन्हें आप कंज्यूम करने से, यानी कि खाने से, आपके बाल स्वस्थ होंगे और एक महीने में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। साथ ही आपका फैट बढ़ा हुआ है और शरीर में वजन बहुत ज़्यादा है, पेट साफ नहीं रहता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, तो आज ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो पहली चीज़ इसमें यह है मेथी दाना। तो मेथी दाने को आपको रात को भिगा देना है, आपको दो चम्मच के करीब, एक चम्मच भी आप भिगाएंगे तो फूल के वो ज़्यादा, एक चम्मच का दो चम्मच हो जाता है। और उसके पानी को भी आपको पीना है और साथ ही जो उसके मेथी दाना है उसको भी चबा चबा करके आपको पानी के साथ निगलना है इस तरीके से। सुबह मैं रोज़ यही करती हूँ और आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता और घर के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको खाने से आपका वजन धीरे धीरे कम होगा। तो रोज़ नियम बना लीजिए इस चीज़ को खाने का। दूसरा, यहाँ पर मेथी के दानों में आयरन पाया जाता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इससे आपके बाल स्वस्थ होंगे, घने होंगे। अगर आप इसको खाते हैं तो खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो आपको कभी भी बदहजमी, गैस और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आपको ले लेना है करी लीव। करी लीव के 7 से 8 पत्ते आपको सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाने हैं, जिससे कि आपके हेयर मजबूत होंगे, हेयर फॉलिकल मजबूत होंगे और बाल गिरने से रुकेंगे और साथ ही नए बाल आएंगे और आपके बाल घने होने लगेंगे। करी पत्ते में पाए जाने वाले पोषक तत्व कॉपर, मिनरल, फाइबर, विटामिन सी, आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। साथ ही हमारे हेयर और हमारी स्किन को स्वस्थ रखते हैं और बालों को काला करते हैं। साथ ही आपके नए बाल आते हैं, इसको लगाने से और खाने से आपको कई फायदे होते हैं। तो गाइज, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और एक महीने के लिए इसको खा करके देखें तो आपको खुद इसका रिजल्ट दिखाई देगा। इससे आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है, ये आपके आसपास में ही मिल जाते हैं करी लीव, और नहीं मिलते हैं तो आप मंगा सकते हैं। सूखा भी इसे यूज कर सकते हैं, इसको भिगो करके रख सकते हैं और इसके पानी को छान करके आप पी सकते हैं। तो इससे आप अपने शरीर में खुद फायदा देखेंगे, उसके बाद आप मुझे कमेंट करेंगे। और अभी आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इससे क्या क्या फ़र्क दिखाई दिया आपके शरीर में और आपके बालों को इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, तो मुझे ज़रूर आकर के बताइए। तो हेयर फॉल सबको होता है और मेरे बाल इतने स्वस्थ घने हैं तो मैंने आपको बताया, और मैं ये जर्नी फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस टाइम पे मेरा कितना हेयर फॉल हुआ और कैसे मैंने उसको ठीक किया। सिर्फ ये दो चीज़ें आप खा लेते हैं और लगा लेते हैं तो आप भी ऐसे, एक तरफ के बाल हैं आप मेरे देख सकते हैं, तो ऐसे घने बाल कर सकते हैं। और आपको जब भी आप चोटी करते हैं या हेयर स्टाइल बनाते हैं तो लूज बनाना है, और इससे क्या होता है कि जो हमारी हेयर लाइन होती है और वहाँ से ज़्यादा बाल टूटते हैं, तो लूज आपको चोटी बना के रखनी है और
रात को आपको कैसे बालों को रखना है और किस तरीके से रखना है, ये भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आपके कमेंट आ रहे थे कि आप रात को अपने बालों को कैसे रखते हैं। तो गाइज मैं इसके बारे में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। आई होप कि गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके और भी आपको मेरे बालों के बारे में जानकारी मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।